ये वो एनडीए सरकार है जिसमें बैठे लोग गरीबी जी करके आए हैं, गरीब का दुख सहते हुए आगे बढ़े हैं, और इसलिए गरीब की चिंता, गरीब का कल्याण उनका सबसे बड़ा कमिटमेंट है, कर्तव्य है। ये वो एनडीए सरकार है जिसके रहते देश में पहली बार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान सेवक तीनों का ही बचपन एक एक पैसे की कीमत भली भांति समझते हुए बीता है। जिन्होंने बचपन से ईमानदारी से की गई कमाई का मतलब समझा है। भाइयों और बहनों, चांदी के चम्मच को और सोने चांदी की चम्मच की कहावत, अरे कहावत छोड़िए, हम लोगों ने तो बचपन ऐसे बिताया है जहां चम्मच तक नहीं देखा है। साथियों, इन सालों में एक के बाद एक देश के कई राज्यों के लोगों ने हमारे काम पर मोहर लगाई, जनादेश दिया है। जनता के इस आशीर्वाद से ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सही रास्ते पर है। हमने जनता का विश्वास और जनता का मत दोनों जीता है। बीते चार वर्ष में पांच राज्यों में से बढ़कर के आज 20 राज्यों में हमारी सरकारें बनी हैं, आपके आशीर्वाद से बनी है, आपके विश्वास से बनी है। आज देश भर में बीजेपी के 1500 से अधिक चुने हुए विधायक हैं। यहां ओडिशा समेत देश के अनेक स्थानीय निकायों में हमारे हजारों जनप्रतिनिधि आज जनसेवा में जुटे हुए हैं। पिछले चार वर्षों में भारतीय जनता पार्टी सही मायने में पंचायत से पार्लियामेंट तक की एक विशाल पार्टी बन चुकी है। भाइयों और बहनों, हमें जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, ये केवल हमारे दल या किसी नेता की जीत नहीं है, बल्कि जनता की, विकास और विश्वास की जीत है। ये उन माताओं का आशीर्वाद है जिनको उज्ज्वला योजना ने धुएं की जिंदगी से मुक्ति दिलाई है। ये उन बेटियों की मुस्कान है जिनकी सुरक्षा और पढ़ाई को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम ने प्राथमिकता दी है। ये उन युवाओं का उत्साह है जिनके सपने मुद्रा योजना और स्किल इंडिया ने पूरे किए हैं। ये उन अन्नदाताओं, किसानों का आशीर्वाद है जिनको फसल बीमा, सिंचाई और खेती में लागत से 1.5 गुना कीमत सुनिश्चित की गई है। भाइयों और बहनों, चार वर्ष पूर्व भारत की जनता के इरादे तो पूरे विश्व में उसी समय गूंज उठे थे जब 3 दशक के बाद
30 साल के बाद उसने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। पूर्ण बहुमत वाली सरकार अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के जिस तरह काम कर रही है, जिस तरह के फैसले ले रही है, साफ नीयत के साथ सही विकास कर रही है, उसने दुनिया में देश की साख को और ऊंचा किया है। न हम कड़े फैसले लेने से डरते हैं और न ही हम बड़े फैसले लेने से चूकते हैं। भाइयों बहनों, जब देश में कंफ्यूजन नहीं, कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, तभी सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसले लेने की ताकत रखते हैं। जब देश में कंफ्यूजन नहीं, कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, तभी वन रैंक वन पेंशन का दशकों पुराना वादा हम पूरा करने में समर्थ होते हैं। जब देश में कंफ्यूजन नहीं, कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, तभी दशकों से अटका हुआ बेनामी संपत्ति कानून लागू होता है। दुश्मन की संपत्ति जब्त करने वाला शत्रु संपत्ति कानून हम लागू करने में सफल होते हैं। जब नीतियों से जानबूझकर कंफ्यूजन नहीं फैलाया जाता, जब कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, तब बैंकों से कर्ज लेकर न लौटाने वाली कंपनियों को भी अपनी तिजोरियां खोलनी पड़ती है और देश को उसका पाई पाई वापस देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब व्यवस्था में कंफ्यूजन नहीं, कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, पारदर्शिता पर जोर दिया जाता है, तब जनधन बैंक खाते, आधार और मोबाइल, JAM, जेम, जनधन आधार मोबाइल फोन की त्रिविध शक्ति से 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से ये रुपये भारत की जनता के बच जाते हैं। जब जनता के बीच कंफ्यूजन नहीं फैलाया जाता, जब कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, तब देश का राजकोषीय घाटा कम करने का प्रयास सफल होता है। भाइयों और बहनों, सत्ता के लिए देश को भ्रमित करने वाले, देश से झूठ बोलने वाले, न काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और न ही देश को टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का काम कर सकते हैं। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस लड़ाई का कमिटमेंट लेकर हमारी सरकार चल रही है, उसने किस तरह कट्टर दुश्मनों को भी दोस्त बना दिया है, ये भी देश के 125 करोड़ लोग भली भांति समझते हैं। ये सारा खेल ये देश देखता है, जनता सब कुछ जानती है। पिछले 4 वर्षों में
जांच एजेंसियों के द्वारा करीब 3000 छापे मारे गए। सिर्फ इन छापों से करीब 53,000 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। एजेंसियों द्वारा किए गए 35,000 से ज्यादा सर्वे में 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित आय का भी पता चला है। बेनामी संपत्ति कानून लागू होने के बाद इतने कम समय में 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। सरकार ने देश भर में 20 से अधिक ऐसी टीमें बनाई हैं जो सिर्फ बेनामी संपत्तियों को खंगालने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही जांच की वजह से आज, और मेरे देशवासियों, मैंने आपको वादा किया था आज, वरना ये कल्पना थी, अरे बड़ों को तो कुछ होता ही नहीं, छोटे लोग मरते हैं, भाइयों बहनों, आज इस देश में 4 पूर्व मुख्यमंत्री जेलों में हैं। काले धन के खिलाफ सख्त एसआईटी के गठन से लेकर सख्त कानून बनाने और जांच की वजह से जो हड़कंप मचा है, उससे बहुत लोगों को एक मंच पर लाकर के खड़ा कर दिया है। 5000 करोड़ के घोटाले के आरोप में जमानत पर चल रहे लोग हो या अलग अलग आरोपों और घोटालों में गिरे हुए लोग हो, ये सारे अब इकट्ठे हो रहे हैं। ये देश को बचाने के लिए नहीं, ये खुद को बचाने के लिए, अपने अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए एक होकर अस्थिरता पैदा करके उसका फायदा उठाने की फिराक में है। जनता सब कुछ जानती है, उनके इस खेल को भली भांति जानती है। भाइयों बहनों, 4 साल पहले देश के सामने जो सवाल थे, जिस तरह का माहौल था, उसे याद करना, बार बार याद करना आवश्यक है। ये याद रखना जरूरी है कि जिस एक परिवार ने 38 साल देश पर राज किया, उसने देश की कितनी परवाह की। ये याद रखना जरूरी है कि फैमिली फर्स्ट के आगे नतमस्तक कांग्रेस के 48 साल में पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे एक परिवार के लिए सत्ता ही सब कुछ रही। कौन भूल सकता है लाखों करोड़ों के घोटालों की वो खबरें, देश विदेश में शर्मिंदगी की वजह बनने वाले वो भ्रष्टाचार के कारनामे। देश के विकास से ज्यादा अपनी और अपनी टोली के विकास के लिए किसी भी हद तक चले जाने की करतूतें, रिमोट कंट्रोल से संचालित एक प्रधानमंत्री, और इन सबसे भी ज्यादा कैबिनेट और प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर किए जाने वाले फैसले, और वो भी मंत्रियों को ईमेल पर निर्देश दिए जाते थे, इन लोगों ने मिलकर देश की साख को
कहां से कहां पहुंचा दी थी, देश के लोग ये कभी नहीं भूल सकते हैं। क्या ऐसे भारत के लिए महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी, सरदार पटेल ने देश का राजनीतिक एकीकरण क्या इसलिए किया था, सुभाष चंद्र बोस ने अपने खून की एक एक बूंद देश पर समर्पित कर दी थी, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह ने क्या एक पिछड़े भारत के लिए, भ्रष्टाचार में डूबी व्यवस्थाओं वाले देश के लिए बलिदान दिया था? नहीं, हरगिज नहीं।